अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी आज़ादी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। 14 अगस्त तक 14 रेसिपीज़ शेयर करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह। तो इन एक्साइटिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन एंड वाइट समोसे। इसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। मैदे को स्विफ्ट कर लिया है और इस तरीके से मैं दरमियान में इसकी थोड़ी सी जगह बना लूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा। और साथ ही इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। पहले से हाथों की मदद से ना मिक्स कर लेना है नमक को, और उसके बाद सारा इसको ना फैलाते जाना है और मिक्स करते जाना है पूरे मैदे के अंदर, ताकि जो ऑयल है वो एक तरफ ना रहे, पूरे मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह हाथों की मदद से सारे मैदे को इस तरीके से मसल मसल के हमने मिक्स करते जाना है। इसके बाद मैंने फिर दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाई है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे ठंडा पानी। और यहाँ पर हरम आई है मेरी हेल्प करने के लिए। हरम को बहुत शौक आता आटा गूंदने का, अभी तो छोटी है ठीक से गूंदना नहीं आता, लेकिन बस शौक पूरा कर रही है। खैर हमने आटे की बनानी है थोड़ी सख्त सी डो। उसके बाद हाफ साइड को हमने कर देना है साइड पर, और हाफ साइड के अंदर हमने थोड़ा सा डाल देना है ग्रीन फूड कलर। मैं इतना ही और डालूंगी और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से नीट करेंगे यहाँ तक कि पूरे आटे में एक जैसा कलर आ जाए ग्रीन। दोनों पीसीस के हमने बना लिए हैं पेड़े और इसको कवर करके रखेंगे किसी कपड़े के साथ, ताकि इसके ऊपर की साइड हवा की वजह से ड्राई ना हो जाए। इसके बाद अच्छे तरीके से मैदा लगा के इन दोनों पेड़ों को हमने बेल लेना है, जिस तरह रोटी की शेप दे देते हैं उस तरह। इसके बाद मैं इन दोनों के ऊपर 1-1 इंच के फासले से जो है ना कट लगाती जाऊंगी। दोनों रोटियों को ना मैंने स्ट्रिप की शेप में काट लेना है। यहाँ पर मैंने दोनों रोटियों को स्ट्रिप की शेप में काट लिया है। अब मैंने क्या करना है कि ग्रीन के इस पार्ट को उठा के वाइट के इस पार्ट के साथ रखना है, यानी कि एक पार्ट वाइट आएगा एक ग्रीन आएगा, एक वाइट आएगा एक ग्रीन आएगा। देखें इस तरह से। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि अभी जो इसकी वाइट लेयर है ग्रीन लेयर के साथ चिपकी नहीं हुई, तो वाइट लेयर को हटा हटा कर ना मैं इसके नीचे पानी लगाती जाऊँगी और दोनों लेयर्स को आपस में जोड़ दूँगी। एक वाइट लेयर को मैंने हटाया है और ग्रीन पार्ट के ऊपर मैं लगा रही हूँ पानी। पानी लगाने के बाद वाइट लेयर को मैंने ग्रीन लेयर के ऊपर कर देना है और हल्के हाथ से दबाना है इसको। ये सारी चिपक गई है और इसको मैंने दोनों तरफ से मैदा लगा के अच्छे तरीके से बेल लिया है और इनकी जो दोनों स्ट्रिप्स हैं वो आपस में चिपक गई हैं, अब ये अलग नहीं होंगी। गीले होने की वजह से ये काउंटर के साथ चिपक भी सकता है, तो आप हल्के हाथ से इसको उठाते जाएं और एक सबसे पहले ऊपर की तरफ मैदा लगाएं, पलटने के बाद उसके ऊपर वाली साइड पर भी दोबारा से लगा दें मैदा और फिर इसको बेल लें। इसके बाद मैंने इन्हें कट कर लिया इस तरह लंबी लंबी स्ट्रिप की शेप में, ताकि इनके समोसे बन जाएं। एक स्ट्रिप थोड़ी सी पतली कट गई है मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, उसके समोसे जो है वो थोड़े छोटे साइज़ के बन जाएंगे, बाकियों के बड़े बन जाएंगे। इसके बाद ये जो लंबी स्ट्रिप्स हैं इनको भी मज़ीद छोटा कर देना दरमियान से कट करके। यहाँ पर मैंने आलू का मिक्सचर रेडी किया है फिलिंग करने के लिए, जैसा नॉर्मल हम लोग आलू की पीठी बनाते हैं। आप चाहें तो चिकन की भी फिलिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पोटैटो की कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया बहुत ही बारीक चॉप करके ऐड किया है, और नमक, मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन और अनारदाना शामिल किया है, और ये मज़ेदार सा आलू का मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर ग्रीन फूड कलर ऐड कर देती हूँ, लेकिन मुझे सोच के ही डिस्गस्टिंग लग रहा था, तो मैंने फिर उसको स्किप किया, क्योंकि समोसे तो बाहर से ही नज़र आने हैं ना, कौन सा अंदर से नज़र आने हैं। समोसा बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रिप उठा ली है
और स्ट्रिप की एक साइड पे मैंने हल्का हल्का सा पानी लगाया है और इस तरीके से इसको हाथ पर पलटकर समोसा की शेप दे देनी है। फौरी तौर पे इसको उल्टा लें ताकि आपस में चिपक ना जाए। सबसे पहले हम मिक्सचर का छोटा सा एक टुकड़ा अंदर की तरफ फेंकेंगे ताकि इसकी चोंच में चला जाए और चोंच की जो शेप है ना वो बहाल ही रहे, वरना चोंच की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर आलू की पीठी को हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे अच्छी तरह रखेंगे ताकि समोसे की शेप अच्छी बने। फिर इस तरीके से देखें किस तरह इसको जोड़ना है। पानी लगाए नीचे और ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ दें। नीचे वाली जो क्रस्ट बनती है ना इसकी, इसको आप हाथ की मदद से ना अच्छे तरीके से शेप दे लें। खुदी क्ले की तरह लगता है बिल्कुल ही, आप जिस शेप में इसको करेंगे ये शेप होल्ड कर लेगा। ये ले जी, एक समोसा तो हो गया रेडी। इसी तरीके से हम और भी समोसे बना लेंगे। मुझे तो ये ग्रीन और वाइट कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मेरा सिग्नेचर समोसा स्टाइल है और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी ने इसको यूट्यूब के ऊपर बनाया होगा इन दो कलर्स में। सो ये यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मैं ही बना रही हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह ये रेडी हो गए हैं बनके। कोई छोटे साइज़ के बने हैं, कोई बड़े साइज़ के बने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है। खाने तो हमने खुद ही हैं। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, है ना यूनिक आइडिया। इसके बाद ले लेना है एक बेकिंग पैन, मेरे पास ये पिज़्ज़ा पैन पड़ा हुआ है, और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं चुटकी बजाते हुए। चुटकी बजाने वाली ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी हो गई है वैसे। सारे समोसों को कर देते हैं इसके ऊपर शिफ्ट। समोसों को ना बहुत अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और मैं इसको इसके बाद बेक कर लूँगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन ना कीजिएगा वरना फिर वाइट कलर नज़र नहीं आएगा। वैसे इस ब्लैक पैन के ऊपर ज़्यादा अच्छे कलर लग रहा है इनका, बजाय इसके जब वाइट प्लेट में पड़े हुए थे तो इतने उठ नहीं रहे थे। ब्लैक पैन के ऊपर रखा है इसे तो इसका कलर निखरा निखरा सा आ रहा है काफ़ी। मैंने इन्हें 35 मिनट्स के लिए बेक कर लिया है। अगर मैं इसे ज़्यादा बेक करती तो सबने गोल्डन हो जाना था, तो फिर इसका कलर जो है ना वो वाइट वाला ख़त्म हो जाना था। बहुत अच्छे माशाल्लाह टेस्ट में बने हैं ये बेक करके भी, और अगर आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई करके अच्छा सा गोल्डन करके भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह आपको। आई होप कि आपको ये वाइट और ग्रीन समोसे का आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी वाइट और ग्रीन से रिलेटेड कोई आइडिया है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। अब इसकी अंदर से भी लुक देख लें। ऑब्वियसली जो आलू के मिक्सचर का कलर था वही नज़र आएगा, लेकिन माशाल्लाह खाने में बहुत अच्छे बने हैं ये। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मेरा आज का व्लॉग तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।